बंदर का खेल। कई साल पहले जादू सिंह नाम का बंदरों से खेल दिखाने वाला मदारी था। उसके पास कुछ बंदर थे। वो गांव-गांव घूमकर खेला दिखाता था। एक दिन एक गांव में एक खेला, देखो खेला, मदारी का खेला, बुम बुम मदारी बोलेगा, बंदर नाचेगा, बाबू खेला दिखाएगा, बाबू 1, 2, 10 रुपए जो बनता है दे देना बाबू। वो चिल्लाने लगा। एक बंदर रस्सी पे चलने लगा। एक और बंदर ने बॉल को सर पे रखा हुआ था और साइकिल चलाने लगा। एक और बंदर ने तो कूद कर रिंग में से छलांग लगा दिया। फिर कोई बोर्ड पर एक संख्या लिख देता तो बंदर उसी संख्या के प्लेट को उठा के दिखा देता। उन्हें देखकर लोग खुश होकर तालियां बजाने लगे और इसके बाद वो बंदर गाने लगे और साथ में नाचने लगे। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा बसा दी रात है जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां। वो गा रहे थे और साथ साथ नाच रहे थे। उन्हें देखकर सारे लोग तालियां बजाने लगे। इतना ही नहीं बाबू, मदारी का खेल अभी बाकी है। कोई भी सामान नीचे रख दो, बंदर जिसका सामान उसको लौटा देगा। रख दो बाबू, नीचे रख दो। लोगों ने अपने साथ के बैग, छाते जैसे चीजों को नीचे रख दिया और बंदरों ने जिसका जो सामान था उसे ही लौटाया। उन्हें देखकर लोगों ने फिर से तालियां बजाई और इसके बाद लोगों ने खूब पैसे दिए। उस रात को मदारी ने बंदरों को एक केला खाने को दिया और खुद चिकन पीस खाने लगा। उसने कहा, खाओ खाओ, तुम तीनों को एक केला बस हो जाएगा, 3 टुकड़े करके खा लेना। और फिर बेचारे बंदर भूख भरी नजरों से उसे देखने लगे। एक दिन जादू सिंह अपने कारवा पर जंगल में से गुजर रहा था। उसने तीनों बंदरों को पिंजड़े में बंद कर रखा था। फिर जादू सिंह ने देखा एक पेड़ पर एक बंदर बैठा था और जादू सिंह को कोई भी अच्छा बंदर दिख जाता वो कभी छोड़ता नहीं था। उसके पास जो बंदर थे उनके मदद से वो दूसरे बंदर को पकड़ लेता। उसने बंदरों को पिंजड़े में से निकाला और कहा, जाओ, याद है ना, जाके उस बंदर को पकड़ लाओ। फिर उसने देखा कि पेड़ पे बैठे बंदर को देखकर ये तीनों बंदर रोने लगे। फिर वो बंदर खुद ही पेड़ पे से नीचे उतर आया और इनके पास आ गया। उसने पूछा, क्या हुआ दोस्तों, रो क्यों रहे हो? तो एक बंदर ने कहा, मुझे सूरज चाहिए, सूरज। दूसरे ने कहा, मुझे चांद चाहिए, चांद। और तीसरे ने कहा, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम। चौथे बंदर को कुछ समझ में नहीं आया। उसने पूछा, ये क्या कह रहे हो तुम, मैं चाहिए, मैं कैसे मिलूंगा तुमको। वो बोल ही रहा था, इतने में अचानक ही जादू सिंह ने पीछे से उस पर जाल फेंक दिया। फिर उसने उस बंदर को भी पिंजड़े में बंद किया और वहां से लेकर चला गया। कुछ देर बाद खेल दिखाने के लिए वो एक और गांव पर रुक गया। फिर एक बंदर ने कहा, हमें माफ कर दो दोस्त, तुम्हें पकड़वाने के लिए हमने नाटक किया था, हम उसका साथ नहीं देंगे, तू हमें मार ही डालेगा। एक और बंदर ने कहा, हमारी जिंदगी बहुत बदतर है और हमारी वजह से तुम यहाँ हो, हमें बहुत बुरा लग रहा है पर हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो चौथे बंदर ने कहा, देखो दोस्तों, तुमने जो किया उससे मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा,
मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, और मैं अगर तुम्हारे इस हाल में होता ना तो मेरे पास भी कोई और चारा नहीं होता। तुम लोग उसके डर के वजह से बंदरों के सहज गुण को ही भूल गए हो। वो तुम्हें पिंजड़े में से बाहर निकलने पर भी तुम लोग भाग नहीं जाते। हमें मौका मिलने तक का इंतजार करो, मौका मिल जाए तो जो मैं कहूँगा वैसे ही करना, कहकर उसने बाकी तीनों को कुछ समझाया। एक दिन एक सैनिक ने आकर जादू सिंह से कहा, महाराज तुम्हारे खेल देखने के लिए उतावले हो रहे हैं, और युवराज तो कुछ ज्यादा ही उतावला हो रहे हैं। जितना जल्दी हो सके महल पहुंचो और अपना खेल दिखाओ। ये सुनकर चौथे बंदर ने बाकी तीनों को इशारा किया, यही सही समय है। इसके बाद राजमहल के सामने खेल शुरू हुआ। बंदर रस्सी पे चल रहा था और महाराज और बाकी के लोग मजे लेकर देख रहे थे। बंदर को बॉल पे चलते हुए, साइकिल चलाते हुए और रिंग में से कूदते हुए देखकर सब बहुत खुश हुए। फिर बंदरों ने गाना गाते हुए नाच का प्रदर्शन भी किया। जिमी 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 आजा आजा आजा, जिमी 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 आजा आजा आजा। फिर जादू सिंह ने कहा, महाराज आप कुछ सामान नीचे रख दीजिए तो बंदर फिर ये सामान आपको लौटा देंगे। तब महाराज ने अपने मुकुट को नीचे रख दिया और युवरानी ने एक बेशकीमती नेकलेस को नीचे रख दिया। एक सैनिक ने तलवार नीचे रख दिया तो दूसरे सैनिक ने भाला नीचे रख दिया। फिर जादू सिंह ने चिल्लाकर कहा, आओ आओ मेरे बंदर दोस्त आओ, जिसका सामान उसे लौटाओ। फिर बंदरों ने कुछ सामान अपने हाथों में उठा लिया और फिर एक दूसरे के शक्ल ताकने लगे। फिर वो वहां से दौड़ के भागने लगे। इसके बाद महाराज और कुछ सैनिक मिलकर उनका पीछा भी करने लगे। बंदर दौड़ते दौड़ते जाकर एक पेड़ पे चढ़ गए। नीचे खड़े सारे लोग चिल्ला रहे थे और ये पेड़ पर नाच रहे थे। फिर उन्होंने एक एक वस्तु को पेड़ पर से नजदीक के नाली में फेंक दिया। फिर वो बंदर जल्दी जल्दी पेड़ पे से उतरे और भाग गए। तो युवरानी ने कहा, अरे मूर्ख मेरी ही बेइज्जती करता है, मेरी सोने की नेकलेस तूने कीचड़ में गिरा दी। तुमने जरूर बंदरों को छेड़ा होगा इसलिए उन्होंने ऐसा किया। पिताजी इसे बिल्कुल मत छोड़िएगा। इसके बाद सैनिकों ने उसे पकड़कर बहुत पीटा और उसे ले जाकर कारागार में बंद भी कर दिए। तो बच्चों, जंतु जानवरों से हमें प्यार करना चाहिए, उन्हें सताना बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसा करने से पाप लगता है। अच्छी लगी हमारी कहानी बंदर का खेल। कई साल पहले जादू सिंह नाम का बंदरों से खेल दिखाने वाला मदारी था। उसके पास कुछ बंदर थे। वो गांव गांव घूमकर खेला दिखाता था। एक दिन एक गांव में एक खेला, देखो खेला, मदारी का खेला, बुम बुम मदारी बोलेगा, बंदर नाचेगा, बाबू खेला दिखाएगा, बाबू 1-2-10 रुपए जो बनता है दे देना बाबू। वो चिल्लाने लगा। एक बंदर रस्सी पे चलने लगा। एक और बंदर ने बॉल को सर पे रखा हुआ था और साइकिल चलाने लगा। एक और बंदर ने तो कूद कर रिंग में से छलांग लगा दिया। फिर कोई बोर्ड पर एक संख्या लिख देता तो बंदर उसी संख्या के प्लेट को उठा के दिखा देता। उन्हें देखकर लोग खुश होकर तालियां बजाने लगे और इसके बाद वो बंदर गाने लगे और साथ में नाचने लगे।
यम्मा 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 ये खूबसूरत समा बसा की रात है जिंदगी कल हम कहाँ तुम कहाँ। वो गा रहे थे और साथ साथ नाच रहे थे। उन्हें देखकर सारे लोग तालियां बजाने लगे। इतना ही नहीं बाबू, मदारी का खेल अभी बाकी है। कोई भी सामान नीचे रख दो, बंदर जिसका सामान उसको लौटा देगा। रख दो बाबू, नीचे रख दो। लोगों ने अपने साथ के बैग, छाते जैसे चीजों को नीचे रख दिया और बंदरों ने जिसका जो सामान था उसे ही लौटाया। उन्हें देखकर लोगों ने फिर से तालियां बजाई और इसके बाद लोगों ने खूब पैसे दिए। उस रात को मदारी ने बंदरों को एक केला खाने को दिया और खुद चिकन पीस खाने लगा। उसने कहा, खाओ खाओ, तुम तीनों को एक केला बस हो जाएगा, तीन टुकड़े करके खा लेना। और फिर बेचारे बंदर भूख भरी नजरों से उसे देखने लगे। एक दिन जादू सिंह अपने कारवां पर जंगल में से गुजर रहा था। उसने तीनों बंदरों को पिंजड़े में बंद कर रखा था। फिर जादू सिंह ने देखा एक पेड़ पर एक बंदर बैठा था और जादू सिंह को कोई भी अच्छा बंदर दिख जाता वो कभी छोड़ता नहीं था। उसके पास जो बंदर थे उनके मदद से वो दूसरे बंदर को पकड़ लेता। उसने बंदरों को पिंजड़े में से निकाला और कहा, जाओ याद है ना, जाके उस बंदर को पकड़ लाओ। फिर उसने देखा कि पेड़ पे बैठे बंदर को देखकर ये तीनों बंदर रोने लगे। फिर वो बंदर खुद ही पेड़ पे से नीचे उतर आया और इनके पास आ गया। उसने पूछा, क्या हुआ दोस्तों, रो क्यों रहे हो? तो एक बंदर ने कहा, मुझे सूरज चाहिए सूरज। दूसरे ने कहा, मुझे चांद चाहिए चांद। और तीसरे ने कहा, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए तुम। चौथे बंदर को कुछ समझ में नहीं आया। उसने पूछा, ये क्या कह रहे हो तुम, मैं चाहिए, मैं कैसे मिलूंगा तुमको। वो बोल ही रहा था इतने में अचानक ही जादू सिंह ने पीछे से उस पर जाल फेंक दिया। फिर उसने उस बंदर को भी पिंजड़े में बंद किया और वहां से लेकर चला गया। कुछ देर बाद खेल दिखाने के लिए वो एक और गांव पर रुक गया। फिर एक बंदर ने कहा, हमें माफ कर दो दोस्त, तुम्हें पकड़वाने के लिए हमने नाटक किया था, हम उसका साथ नहीं देंगे, तू हमें मार ही डालेगा। एक और बंदर ने कहा, हमारी जिंदगी बहुत बदतर है और हमारी वजह से तुम यहाँ हो, हमें बहुत बुरा लग रहा है पर हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो चौथे बंदर ने कहा, देखो दोस्तों, तुमने जो किया उससे मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मैं तुम्हारे हालत समझ सकता हूँ और मैं अगर तुम्हारे इस हाल में होता ना तो मेरे पास भी कोई और चारा नहीं होता। तुम लोग उसके डर के वजह से बंदरों के सहज गुण को ही भूल गए हो। वो तुम्हें पिंजड़े में से बाहर निकलने पर भी तुम लोग भाग नहीं जाते। हमें मौका मिलने तक का इंतजार करो, मौका मिल जाए तो जो मैं कहूँगा वैसे ही करना। कहकर उसने बाकी तीनों को कुछ समझाया। एक दिन एक सैनिक ने आकर जादू सिंह से कहा, महाराज तुम्हारे खेल देखने के लिए उतावले हो रहे हैं और युवराज तो कुछ ज्यादा ही उतावला हो रहे हैं, जितना जल्दी हो सके महल पहुंचो और अपना खेल दिखाओ। ये सुनकर चौथे बंदर ने बाकी तीनों को इशारा किया, यही सही समय है। इसके बाद राजमहल के सामने खेल शुरू हुआ। बंदर रस्सी पे चल रहा था और महाराज और बाकी के लोग मजे लेकर देख रहे थे। बंदर को बॉल पे चलते हुए, साइकिल चलाते हुए और रिंग में से कूदते हुए देखकर सब बहुत खुश हुए। फिर बंदरों ने गाना गाते हुए नाच का प्रदर्शन भी किया। जिमी 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 आजा आजा आजा, जिमी 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 आजा आजा आजा। फिर जादू सिंह ने कहा, महाराज आप कुछ सामान नीचे रख दीजिए तो बंदर फिर ये सामान आपको लौटा देंगे। तब महाराज ने अपने मुकुट को नीचे रख दिया और युवरानी ने एक बेशकीमती नेकलेस को नीचे रख दिया। एक सैनिक ने तलवार नीचे रख दिया तो दूसरे सैनिक ने भाला नीचे रख दिया। फिर जादू सिंह ने चिल्लाकर कहा, आओ आओ मेरे बंदर दोस्त आओ, जिसका सामान उसे लौटाओ। फिर बंदरों ने कुछ सामान अपने हाथों में उठा लिया और फिर एक दूसरे के शक्ल ताकने लगे। फिर वो वहां से दौड़ के भागने लगे। इसके बाद महाराज और कुछ सैनिक मिलकर उनका पीछा भी करने लगे। बंदर दौड़ते दौड़ते जाकर एक पेड़ पे चढ़ गए। नीचे खड़े सारे लोग चिल्ला रहे थे और ये पेड़ पर नाच रहे थे।
फिर उन्होंने एक एक वस्तु को पेड़ पर से नजदीक के नाली में फेंक दिया। फिर वो बंदर जल्दी जल्दी पेड़ पे से उतरे और भाग गए। तो युवरानी ने कहा, अरे मूर्ख, मेरी ही बेइज्जती करता है। मेरी सोने की नेकलेस तूने कीचड़ में गिरा दी। तुमने जरूर बंदरों को छेड़ा होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। पिताजी, इसे बिल्कुल मत छोड़िएगा। इसके बाद सैनिकों ने उसे पकड़कर बहुत पीटा और उसे ले जाकर कारागार में बंद भी कर दिए। तो बच्चों, जंतु जानवरों से हमें प्यार करना चाहिए, उन्हें सताना बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है। अच्छी लगी हमारी कहानी?